तो हमारे सामने एक दीदी चल रहे हैं, उन्होंने इंडिकेटर दिया राइट की तरफ और अभी देखते हैं वो राइट की तरफ जाएंगे कि लेफ्ट की तरफ। तो दीदी लेफ्ट, दीदी लेफ्ट 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 लेफ्ट, क्या बात है। सही सही है, मतलब एक से। तो इस प्यारे मौसम में अगर आपको गाना सुनना है तो अपने फोन का शून्य दबाएं और गाने को एंजॉय करें। ये चल फिर ठीक है। तो गाइस मैंने दीदी को छोड़ दिया एंड अभी निकलते हैं भाई इधर से। ओ ओ यार मेरा हैंडल स्लिप हुआ और टायर भी ना काफी ज्यादा बबल हुआ। मैं वहां से जब दीदी को उतार रहा था ना तो वहां पे रेत पड़ी हुई थी, तो रेत ना टायरों पे लगी होगी, उसके कारण जब मैंने टर्न लिया होगा ना तो ये थोड़ा सा बबल खा गया होगा। हाँ देख रहे हो मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। काश ये ठंड ऐसे रोज रहे। थोड़ा स्ट्रेच करते हैं भाई लोग इधर। ओ भाई साहब क्या बात है यार, मजा आ गया सच में। कासिम नगर की वाइब खतरनाक है। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है भाई, देख रहे हो, देख रहे हो। इसको पता नहीं हो, मुझे लगता है इसको भूत चढ़ जाते हैं। तो हमारे सामने एक दीदी चल रहे हैं, उन्होंने इंडिकेटर दिया हुआ राइट की तरफ और अभी देखते हैं वो राइट की तरफ जाएंगे कि लेफ्ट की तरफ। तो दीदी लेफ्ट, दीदी लेफ्ट 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 लेफ्ट, क्या बात है। सही सही है, मतलब तुम राइट का इंडिकेटर दो और लेफ्ट में जाओ, मतलब अब ना बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। पता क्यों, देखो अगर वो लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे इसका मतलब वो राइट जा रहे हैं, अगर वो राइट का इंडिकेटर देंगे इसका मतलब लेफ्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर गलती से उन्होंने राइट का इंडिकेटर दे के राइट ले लिया ना तो तुम्हारे लेने देने एक हो जाएंगे। तो इसलिए तुम पता क्या करो, तुम उनके ना पीछे पीछे रहो, जब वो अपनी लेन शिफ्ट कर लेना देन तुम आराम से ना वो टेक कर सकते हो भाई, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो आगे दीदी चल रहे हैं ना यार, इनके बाल देख रहे हो तुम, पूरे कर्ली हैं, कितने ज़्यादा वो लग रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं। प्यारे लग रहे हैं यार। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ गुम्मट में। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो दीदी ने ये अपने तो एक एक्टिवा वाली ने दूसरे एक्टिवा वाले को ठोक दिया, मतलब मैं तो ये टाइटल लिख देता अपना, लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। वो भैया आगे निकल के तो दीदी भी यू नो अंदर ही अंदर ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए। ओए ओए ओए, अच्छा अच्छा, ये था मेरा फ्रेंड आदर्श। और आज हमारे साइंस कॉलेज के गेट पे जैसा कि तुम देख पा रहे होगे लॉट्स ऑफ भैंसे हैं भाई। ओहो एक डॉगी भी है और काफी सारी लड़कियां भी हैं, मतलब लड़के भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दीदी जाओ 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 आप, समझ रहे हो ना खड्डों से बचने की निंजा टेक्निक। तो गाइस ये रही हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, 1 2 3 4 5 6 क्यूट गर्ल्स और एक साथ में वो आ रही है पीछे से, मतलब सही है यार, सुबह सुबह पे क्यूट गर्ल्स मिल जाती हैं। और कहीं और ये हमारे एनसीसी के स्टूडेंट। ओ ओ ओ ओ भाई, और ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है ना। ओए दीदी जी ऐसे दौड़ा नहीं करते, दौड़ा नहीं करते ऐसे सड़क में। ओहो ट्रैफिक वाले हैं भाई, शुक्र है मैं अपने साथ विवेक को नहीं लेके आया, वो बोल रहा था मेरे को आगे तक छोड़ देना अदरवाइज गेम खराब हो जाती। ओ ओ ओ क्या बात है दीदी जी, दीदी तो एकदम मतलब फाइटर निकली, गाड़ी वाले को रुका के आगे निकल गई। ओए एक से स्कैम हो गया था मेरे साथ। वाओ मजा आ गया भाई। एंड ये क्या बात है भाई, क्या क्या बात है यार, GT कॉन्टिनेंटल 650 ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ। इस बाइक का भी अपना मजा है यार, क्रूजर का क्रूजर है, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स है, मतलब पावर ठीक ठाक दी हुई है। तो और बॉडी जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जिसके कारण ना काफ़ी लड़के लोग इसको परचेज नहीं करते सिर्फ इसकी बॉडी की वजह से, अदरवाइज पावर तो ठीक ठाक दी हुई है इसमें,
स्टील बॉडी होती है यार, मतलब गाड़ी के साथ लगेगी ना ये, इसका कुछ नहीं जाएगा और गाड़ी का कुछ बचेगा नहीं। ओहो, यहाँ का जाम ऐसा होता है ना भाई, एक बार तुम फंस गए ना बहुत मुश्किल होता है उस क्राउड से निकलना। इससे भी ना यार मुझे क्राउडेड एरियाज जो है वो पसंद, घर पे रहता होता था। तो फाइनली गाइस हम पहुँचने वाले आज घर, तो फाइनली क्या बोल रहा हूँ मैं, आज पहुँचने वाले घर, तो फाइनली गाइस हम पहुँचने वाले घर। आई होप कि आपको ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। तो गाइस डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग, सो इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।